दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखेंगे 2 सितंबर की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराता हूँ, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिविजन क्वेश्चन है, हाल ही में पैरालंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारतीय सेना, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने, दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सऊदी अरब ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में NTPC ने कहाँ 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जैसलमेर, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्राजील, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मास्टर PDF ले सकते हैं, 170 रुपये की PDF है। इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगी ये PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है और बारकोड यहाँ पर मिलेगा, इस नंबर पे जाके। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिहार, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वेस्ट इंडीज, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है? तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों झारखंड में, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एयर इंडिया में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एरो लॉन्च का शुभारंभ किया है? सेशन आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में। ये वीडियो सुबह 6:30 बजे आती है ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लिया करें। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रॉन्ज हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? देखिए सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, SJVN को, NHPC को, रेलटेल को। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने अमेरिका के सेंट लुइस में सिंक्यू फील्ड कप 2024 के दौरान लगातार 8वीं बाजी ड्रॉ खेली है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा आर प्रज्ञानंद, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंद्रे अगासी जनवरी में भारत का पहला पिकल बॉल विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट किस शहर में लॉन्च करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? राइट आंसर रहेगा मनीष नरवाल ने। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नीलगिरी सहकारी कृषि मॉडल का अनुकरण करने की योजना बनाई है? सोलवे क्वेश्चन का राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके पैकेज वितरण दक्षता बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर रहेगा अमेजोन ने, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2024 पैरालंपिक खेलों में महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? सही आंसर रहेगा प्रीति पाल, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार शाहरुख खान की अनुमानित संपत्ति कितनी है? राइट आंसर रहेगा 7,300 करोड़, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ट डिज्नी इंडिया की विलय वाली इकाई में सबसे अधिक समावित प्रतिशत किस कंपनी के पास होगा? सही आंसर रहेगा वायकोमेटीन के पास। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन 20 में से आप लोगों ने सही कितने किया है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, पिरामल फाइनेंस और किस बैंक ने ऋण साझेदारी की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, गांधी जी से पहले नोट पर किसकी तस्वीर थी? 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए गांधी जी से पहले नोट पर दोस्तों अशोक स्तंभ होता था, राइट आंसर डी रहेगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में मिला था? तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, यानी कि ए राइट आंसर।
अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी सबसे कम प्राइस में, तो एक बार विजिट जरूर कर लेना। मास्टर पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे इस नंबर पर बारकोड मिल जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। 170 रुपीज़ की पीडीएफ आपको मिलेगी, सारे सब्जेक्ट उसमें रहेंगे, लाइफ टाइम तक आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।